अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़िया एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम जो लिग्निशन कॉइल को इंस्टॉल करेंगे, कार्बोरेटर को इंस्टॉल करेंगे, उसको पूरे कवर को इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम लिग्निशन कॉइल में इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये लिग्निशन कॉइल है, इसकी नीचे ये लीड होती है, ये लीड हमारी प्लग में जाती है। तो इसको पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। बोल्ट हाथों से टाइट हो गए। अब जो है हम कोई सभी विजिटिंग कार्ड ले लें आप, उसको इसके दोनों के अंदर इंस्टॉल कर दें और इसको थोड़ा सा टाइट कर लें। अब जो इसका जो मैग्नेट है, कार्ड को आप ऊपर से पकड़ें, कार्ड को ये पकड़ें, इसके मैग्नेट को उसके नीचे ले आए, कार्ड के नीचे। ये देखें, ये मैग्नेट इसका बिल्कुल इसके बीच में आ गया। अब इसको यहाँ पुश करें, मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपने आप टाइट हो रहा है। अब फिर भी हम आपको पुश करके इसके दोनों बोल्ट को टाइट कर देंगे, ये हमारी लिग्निशन कॉइल की सेटिंग हो जाती है। बोल्ट को सही से टाइट कर देंगे ताकि लूज ना हो। अब इनको ऊपर की तरफ मैं कार्ड की निकाल लेता हूँ। ये हमारा कार्ड निकल गया। अब मैं इसको एक दफ़ा घुमा के चेक कर लेता हूँ। अब जो इसको घुमा के चेक कर लेते हैं, कोई चीज़ टच तो नहीं हो रही, बिल्कुल इसके सही है। मैग्नेट यहाँ से करीब से जा रहा है, किसी चीज़ में टच नहीं हो रहा हमारा, ये बिल्कुल ठीक है कॉइल। अब हम कार्बोरेटर को इंस्टॉल कर देते हैं। अब जो हम कार्बोरेटर के ऊपर आ जाते हैं, सबसे पहले ये पट्टी है जो लीड को सपोर्ट करती है और कार्बोरेटर को सपोर्ट करती है। पहले इस पट्टी से लगाने से पहले हम इसकी गैस्केट को इंस्टॉल करेंगे। जैसा ये डी शेप बना हुआ है, जैसा ये डी के शेप की, इसमें तीन गैस्केटें लगती हैं। जैसे लगेगी, अब जो है हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। अब जो ये नई न्यू गैस्केट ये इंस्टॉल होगी। अब जो हमारा कार्बोरेटर इंस्टॉल होएगा, कार्बोरेटर को पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसी के जब इंस्टॉल होएगा, यहाँ से इसकी जो पट्टी है, गवर्नर की पट्टी है, गवर्नर आर्म से जो पट्टी आ रही है, उसको इंस्टॉल करेंगे। ये जो पट्टी है जो रेस को मेंटेन करती है, पहले इसको हम गवर्नर आर्म जो है उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। ये सा जो इसका ये शेप नज़र आ रहा है, इसको इसके अंदर डाल के इसके यहाँ ले आएंगे और ये जो बारीक सब स्प्रिंग होता है, इसको पिछले वाले होल में इसको डाल देंगे। अब इसको गवर्नर इसको सामने इसकी तरफ ले आएंगे, बिल्कुल सामने, और स्प्रिंग को ये छोटे से होल के अंदर डाल देंगे। हमारा स्क्रीन अंदर चला गया। अब हम इसको पुश करते हैं अंदर की तरफ, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब जो है हम गैस्केट लगाएंगे। अब जो इसका ये जो फिल्टर कवर है, इसको लगाएंगे, लेकिन उसको लगाने से पहले हम ये चोक लगाएंगे। और ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये देखें आप,
ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है इसी है, इसको ये चौक वाले जो इस हिस्से के अंदर है इसके नीचे यूँ रखेंगे, उससे ये कि हमारा ये चौक बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। फिर इसको चौक को हम यूँ लगा देते हैं, देखिए चौक से ही काम कर रहा है। अब ये जो हिस्सा है, ये जो पट्टी आ रही है इसके ऊपर आ जाएगी, गवर्नर इसकी चौक की पट्टी उसके नीचे आ गई है। अब ये हमारा गवर्नर, ये चौक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ये आउट नहीं होगा यहाँ से। अक्सर जनरेटर में ये आउट हो जाता है, उसकी यही वजह होती है, इसकी जो सपोर्ट के लिए पट्टी होती है उसको हम कोई लगाता नहीं है। कारपेट हमारा फिट हो गया है, इसका ये कवर लगा देता हूँ। ये हमारा फिट हो गया, अभी इसका फिल्टर कवर, इसका फ्रंट कवर इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ये हमारा कारपेटर मुकम्मल इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसका में फ्रंट कवर जो ये इसका स्टार्टर यहाँ पे किक है उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। फ्रंट कवर लगाने से पहले ये जो पट्टी जो यहाँ पे नीचे लगती है इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, दो नट बोल्ट लगे होते हैं यहाँ पे, और फिर फ्रंट में वो लगा दूँगा। ये पट्टी हमारी बिल्कुल फिट हो गई है, अब मैं सामने फ्रंट पे कवर लगा देता हूँ। ये हमारा कवर भी लग गया सामने, अब जो ये मैं जो हिसाब से निकाला था इसको मैं फिट कर देता हूँ, इसके बोल्ट मैंने इसी के अंदर लगा दिए थे। ये कवर हमारा लग गया, अब ये मेरा साइलेंसर इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ। कवर देखिए लग गया हमारा, साइलेंसर इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ। साइलेंसर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसकी गैस्केट जो डी शक्ल बनी हुई है, जैसे डी है उसी शक्ल के लिए वैसे ही हमारे को ये डी शेप बनानी पड़ेगी। पहले हाथ से टाइट कर देंगे, जो इसके सपोर्ट के लिए नट है उसको मैं लगा देता हूँ। तीसरा जो नीचे फाउंडेशन का नट था उसमें भी इसको मैं यूज़ करा देता। पहले ऊपर वाले को नटों को टाइट कर देते हैं हम दोनों को बराबर बराबर। ज्यादा जोर भी नहीं देना है और लूज भी नहीं रखना, बराबर रखना है। अब जो बाकी नट है उनको मैं टाइट कर देता हूँ। कुछ
सिलेंसर मुकम्मल कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी कनेक्शन कर देता हूँ, ये 12 वोल्ट कनेक्शन है और ये हम डीसी इसमें अंदर आ जाएंगे, ये अर्थ हो जाएगी गाड़ी गाड़ी के साथ। इसको पहले इसकी फ्रेम के अंदर डाल देते हैं, फिर इसके कनेक्शन कर देता हूँ। पहले मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ। कनेक्शन कंप्लीट हो गए, ये अर्थ बॉडी के सामने अटैच कर देता हूँ इसको। अब इसका मैं बैक कवर लगा देता हूँ, इसका बैक कवर है इसको मैं लगा देता हूँ। ये तो दोस्तों आपने देखा, हमने धीरे धीरे आस्ते आस्ते मुकम्मल इंजन जनरेटर को मुकम्मल कर लिया है। अभी हम सिर्फ इसके में आयल डालेंगे और इसकी गवर्नर की सेटिंग करेंगे पहले, उसके बाद आयल डाल के इसको मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन तकरीबन काम इसका कंप्लीट हो गया है इंजन का जनरेटर का। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आयल डाल के इसको गवर्नर की सेटिंग करके इसको स्टार्ट करेंगे। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।